हेलो वीवर्स, दिस इज फरजीन। वेलकम टू फरजीन्स फूड मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटी सी रेसिपी, खट्टे तीखे आलू, जो हम कोकम से बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, फुल एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने 15 से 20 लाल मिर्च ले ली है और एक पॉट गार्लिक ले लिया है, लहसुन का, उसे अच्छे से छील लिया है। और मैंने साथ ही यहाँ पे कोकम भी ले ली है, थोड़ा सा पानी में भिगो कर रखा है उसे। और इन दोनों को ही हम सेपरेटली ग्राइंड कर देंगे। ये जो लाल मिर्च वाला पेस्ट है, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, बहुत ही कम पानी में इसे थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है, ताकि जो लाल मिर्च की जो बींजे हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज और इसे हम बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाएंगे, ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसे। तो हाई फ्लेम पर ही सारी कुकिंग होनी है अभी फ़िलहाल, तो हम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसको थोड़ा सा टेम्परिंग दे देंगे हम यहाँ पर। मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लिया है और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी राई ले लेंगे और वो भी हम इसमें डाल देंगे। एक तड़का अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे इसमें। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब जो लाल मिर्च और लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट से हमने ये डिश बनाई है और हकीकत में बहुत लजीज बनती है ये, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पर आ जाए। अब मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो बोल के अंदर थोड़ा सा मसाला रह गया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसमें डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट। देखिए जो सारा मसाला है वो अच्छे से पक चुका है, ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कोकम का पेस्ट। कोकम का पेस्ट जो है वो आपने एकदम से पूरा का पूरा नहीं डालना है, क्योंकि कितना खट्टा है ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे भी रोज़ा है तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके एज एंड व्हेन नीडेड इस तरीके से डाला है। मुझे ज़्यादा नहीं लगा, अभी जो मैंने डाला है बस इतना ही मुझे यूज़ हुआ है। अब मीडियम फ्लेम पर ही हम 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे, ताकि सारे मसाले जो है वो एक दूसरे में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। मैंने आलू 3 से 4 लिए थे, बड़े वाले, और उन सबको अच्छे से क्यूब्स में कट कर लिया छोटे छोटे। और इन सबको अच्छे से सारे मसालों में कोट कर लेना है, लपेट लेना है इस तरीके से। मुंबई में रमज़ान की रौनक ही कुछ अलग होती है, और स्ट्रीट फूड पर मिलने वाले जो खाने की चीज़ें होती है, इतनी सारी वैरायटीज़ होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि आज क्या खाएं। और ये आलू की जो रेसिपी मैंने बनाई है ये उनमें से एक वैरायटी है। ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, और इसके साथ साथ रगड़ा चाट, चना बटाटा, ये सारे स्टॉल्स भी आपको साथ ही साथ मिलने ही मिलने हैं बॉम्बे में रमज़ान के वक्त। हमारे डिश अब ऑलमोस्ट होने को ही है। अब यहाँ पर मैंने फाइनली ऐड किया है 1/4 ग्लास ऑफ वाटर। मैंने बस थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से यहाँ पर भुन जाए और सारे आलू जो है वो कोट हो जाए।
इसका जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख चुका है और ग्रेवी अच्छे से थिक हो चुकी है, सारे आलू अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो फाइनली हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऊपर से इसे कोरिएंडर लीव्स यानी कि कोतम्बिर या फिर धनिया के पत्तों से हम इसे गार्निश कर देंगे। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है, इसे गर्मा गर्म परोसे। ये मेरी रमज़ान में सबसे क्विक बनने वाली रेसिपीज़ में से एक है और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके साथ में झटपट बनने वाली और टेस्टी बनने वाली रेसिपीज़ और शेयर करूं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डू प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद फज़ीन्स विद मैजिक फॉर मोर सच वीडियोज़। टेक केयर, गुड बाय।